हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमास चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड न्यूट्रल लुक है विथ बोल्ड लिप्स, बहुत ही सिंपल। एंड ये मैंने अपने वेडिंग एनिवर्सरी में क्रिएट किया था घूमने जाने के लिए। आई होप कि ये मेकअप लुक आप लोग बहुत जल्दी से अचीव कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल स्टेप्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस वीडियो को एंड में सब्सक्राइब करके जाना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन रखिएगा ऑल, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें मेकअप से पहले हमेशा स्किन केयर अच्छे से करनी चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे अच्छा खासा टोनर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस में, ताकि मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाए मेकअप बेस के लिए। तो इसे मैं अपने पूरे फेस में पुस्ट इन कर दूंगी, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। नेक्स्ट, उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स का रोज़ हीव फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ड्रॉप ड्रॉप करके पूरे टी जोन एरिया में, साथ ही साथ पूरे फेस को मैं इसी से मॉइस्चराइज्ड करने वाली हूँ, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट। तो ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है एंड इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसे मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से पुस्ट इन कर दूँगी। नेक्स्ट, उसके बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज्ड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का लिप बाम। ये बहुत ही अफोर्डेबल है बट इन बेस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट, उसके बाद एक मॉइस्चराइजर यूज़ करने वाली हूँ अफोर्डेबल में, जॉय प्योर एलो फेस क्रीम। इसका अच्छा खासा मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी है नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, ऑयली स्किन वाले इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम करता है फेस में, साथ ही साथ ही इसका ना एक मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑयली स्किन वाले को। इसको मैं पूरे फेस में अच्छे से एक अच्छा लेयर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि है विंटर सीजन तो मॉइस्चराइज़र की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एन बाई वे का प्राइमर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ऑयली स्किन वाले के लिए, क्योंकि मैं बार बार ऑयली स्किन वाले बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मेरे स्किन को सूट करे, साथ ही साथ मुझे नॉन ग्रीसी बनाए। तो इसलिए NYBA का प्राइमर बहुत ही अफोर्डेबल में बहुत अच्छा प्राइमर है ऑयली स्किन वालों के लिए। इसे मैं अपने टी जोन एरिया में अच्छे से अप्लाई करके पुश इन कर दूँगी, ताकि जो मेरा ओपन पोर्स है वो क्लोज्ड हो जाए एंड मेरा जो स्किन है वो स्मूथ हो जाए, ताकि मैं जब फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करूं तो मेरा फेस फ्लॉलेस बन जाए। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कंसीलर यूज़ करके मेकअप करने वाली हूं। इसका शेड है Shade 2 मिल्क चॉकलेट प्रिट्जल। शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा शेड है, मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, बट ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो मेरे स्किन शेड का ये आ ही जाता है। इसको मैं अपने पूरे अंडर आई एरिया एंड जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है मैं उस एरिया में अच्छे से अप्लाई करूँगी, ताकि जो पिगमेंटेशन है वो अच्छा खासा हाइड हो जाए। अराउंड द माउथ एंड ब्रिज ऑफ द नोज एंड फोरहेड, सारे जगह मैं अप्लाई कर दूंगी। साथ ही साथ मुझे जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ पे भी मैं अप्लाई करूंगी। एंड इसे मैं ब्लेंड करने वाली हूँ सबसे पहले ब्रश की मदद से, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो, ये ब्रश की मदद से भी बहुत अच्छा खासा ब्लेंडिबिलिटी है इसका, बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। पूरे फेस को मैं पहले ब्रश की मदद से ही ब्लेंड करने वाली हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्पंज, ताकि जो एक्सेस रह जाए उस वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर दूँ, उसके बाद स्पंज यूज़ करके पूरे फेस को बंद कर दूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक में भी ध्यान दीजिएगा, नेक में भी अच्छा खासा ब्लेंड कीजिएगा, नहीं तो फेस एंड नेक हो जाएंगे अलग अलग एंड सबको पता चल जाएगा कि आपने मेकअप किया है। तो ये बहुत ही नेचुरल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्पंज से भी ब्लेंड आउट कर रही हूँ, ताकि एक्सेस जो रहे वो निकल जाए एंड मेरा बेस हो जाए फ्लॉलेस। एंड बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक
कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी है NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में बहुत अच्छा पाउडर है, तो इसे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर दूँगी एंड स्पेशली अपने टी जोन एरिया में सेट करूँगी, क्योंकि है मेरा ऑयली फेस तो ग्रीस होने का चांसेस भरपूर रहता है। तो ग्रीस प्रूफ बनाने के लिए फेस को मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट को यूज़ कर दूँगी, चाहे हो विंटर या समर। हम मुझे कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑयली स्किन वाले हाईली रिकमेंड है ये NYBA का कॉम्पैक्टर। तो चलिए मैं पूरे फेस को सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैं आईब्रो के लिए म्यूज़िक फ्लावर का ये आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं एंगुलर ब्रश की मदद से फील आउट कर दूँगी मेरे आईब्रो को एंड इसको नेचुरली फील करेंगे, ताकि हमारा जो आईब्रो है वो ज़्यादा मेडअप ना लगे। एंड इसको मैं पूरे दोनों आईब्रो को सेट कर लूँ, उसके बाद मैं इसे कोम आउट कर दूंगी। मिस क्लेयर का ये जो आईब्रो पेंसिल है उसके पीछे कोम आता है, तो उसकी मदद से मैं एक्सेस प्रोडक्ट को कोम आउट कर दूंगी। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आईज की तरफ। आईज को मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए ये एक पिंक शेड में अपने पूरे आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ एंड एक ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड आउट कर दूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे एंड ये बहुत ज़्यादा गंदा भी ना दिखे। तो इसलिए इन दोनों को ही एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर दूंगी एंड अंडर आई में भी थोड़ा सा अप्लाई कर दूंगी, ताकि मेरा आई लुक हो जाए कंप्लीट। ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी, जस्ट ये सिंगल शेड ही अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट उसके बाद ये यंकीना आई लाइनर पेंसिल से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ। उसको आज मैं सेट नहीं करने वाली हूँ इंस्टा लाइनर से। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं ये यंकीना आई लाइनर पेंसिल हमेशा से यूज़ करती हूँ। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट आईब्रो आईलाइनर पेंसिल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आज मैंने ये न्यू परचेज किया है, तो इसका कलर है परफेक्ट, तो मैं इसे टॉप अप नहीं करूँगी लैक्मे का इंस्टा लाइनर से, जस्ट इसे ही अप्लाई कर लूँगी एंड एक स्मॉल विंग बना लूँगी। एंड विंग मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेकअप करी थी ना, इसलिए। नेक्स्ट मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए ये लोकल पैलेट से पिंक गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक परफेक्ट लुक आ जाए मेरे आईब्रो में, क्योंकि मैं बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। फिर से लिप्स को मैं और एक बार अच्छा मॉइस्चराइज्ड कर लेती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। एंड द मीन वाइल मैंने काजल एंड मस्कारा अप्लाई कर लिया था, उसके क्लिक में नहीं ले पाई, क्योंकि मैं एकदम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा फुलर लुक देने के लिए लिप लाइनर ऊपर से अप्लाई कर लूँगी। ये एक ऑरेंज रेड लिपस्टिक है, शेड में नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ एंड एडिट कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी बट जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को। एंड हो गया है मेकअप मेरा फिनिश, मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई कर लिया था एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर लगा हो बहुत ज़्यादा इजी पीजी एंड अच्छा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग मेकअप लुक सिंपल स्टेप में इन हिंदी देखना चाहते हो, तो जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड ऑप्शन रखना ऑल, ताकि हर टाइप्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एंड और भी अमेजिंग वीडियोज़ मेरे चैनल में आने वाला है, साथ ही साथ लाइव अपडेट्स एंड मेरा वेडिंग एनिवर्सरी ब्लॉग भी आने वाला है कल ही, तो जल्दी से जल्दी चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड रेडी रखो मेरे वेडिंग एनिवर्सरी का ब्लॉग देखने के लिए। एंड एक अमेजिंग सा सरप्राइज गिफ्ट है, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।